न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में लगातार हो रही पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि पर एक और जहां जनता काफी परेशान दिखाई दे रही, वहीं यूपी के कानपुर में आज व्यापार मंडल ने घंटा घर में भारत माता प्रतिमा के नीचे 38 सजाकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार को निशाना बनाते हुए व्यापारियों ने कहा कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए ताकि आम जनता को राहत के साथ ले सके, क्रूड ऑयल कम दामों में मिल रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना खजाना भरने में जुटी हुई है। सरकार को बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत वापस लेने चाहिए, नहीं तो व्यापारी वर्ग देश व्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगा। कानपुर से कैमरामैन शिवम चौरसिया के साथ शोभा गुप्ता की रिपोर्ट। व्यापार मंडल पेट्रोल बोर्ड मिट्टी वापस लो, वापस लो पेट्रोल बोर्ड मिट्टी, वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता की जो सरकार ने ये किस तरह से बेतहाशा वृद्धि करी है और चुपके चुपके वृद्धि करी है, 10 दिन के अंदर 10 रुपये एकदम से बढ़ाए हैं सरकार ने, और ये भी नहीं सोचा है कि इससे व्यापारी का क्या होगा, किसान का क्या होगा। आज की तारीख में जितनी बेइंतहा रूप से वृद्धि करी गई है, इतिहास में कभी इतनी तेज़ी से रेट नहीं बढ़ाए गए जितना इसमें बढ़ाए गए हैं। पहले यही सरकार, जब कोई सरकार अन्य 2 रुपये भी बढ़ा देती तो ये लोग सड़क पर आके पूरा नंगनाच करते थे। आज इनके सारे मंत्री सारे नेता चुपचाप बैठे हुए हैं और व्यापारी और किसान सड़कों पर अपनी अपनी रोना रोता घूम रहा है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। सरकार अगर इस तरह सबकी मांगे नहीं पूरी करती तो आगे क्या करेगा? सरकार अगर मांगे नहीं पूरी करती तो हम लोगों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि 10 रुपये डीजल का पेट्रोल का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें कितना भाड़ा बढ़ जाएगा, कितना इसमें महंगाई बढ़ जाएगी, इस चीज़ की तो कल्पना सरकार को होगी। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं होगी, लेकिन इसका कोई विकल्प सरकार नहीं दे रही है हम लोगों को, बस इससे बहुत हम लोग आहत हैं।